अब दूंगी बड़े भैया भैया को सरप्राइज। मैं एक चीज डालना तो भूल ही गई। ये चिट्ठी पढ़ के भैया को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। अगर मैं ऐसे भैया के पास गई भैया तो मुझे पहचान लेंगे। अब भैया तो मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। ये लीजिए भाई साहब आपका सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? और तुम हो कौन? अरे आप आम खाइए, उठलियाँ क्यों गिन रहे हैं? ए जी, आप इस लड़की को जानते हैं? उसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा है, कैसे जानूंगा? कहीं इसमें बॉम तो नहीं है? हम सोशल सर्विस कर रहे हैं। आप ये बॉक्स ले लीजिए और ओपन करिए, इसमें एक चिट्ठी डाली है उसको भी पढ़िए। चिट्ठी है? चिट्ठी तो है। ये क्या मजाक है? हे लड़की, ये क्या बदतमीजी है? तुमने हमें पैड क्यों दिया, वो भी ब्लड लगा हुआ? और इस चिट्ठी में क्या है? ये पैड आपकी पत्नी का है? आपकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं है, वो आपसे झूठ बोल रही है। रोशनी, ये सब क्या है? ए लड़की, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तुम मेरे पति पत्नी के बीच में फूट डलवाना चाहती हो? मुझे पता था कि आप इतनी आसानी से यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ वीडियो लाई हूँ। पहले ये देख लीजिए। भाई तो कुछ कर, नहीं तेरे जीजा जी मुझे डिवोर्स दे देंगे। क्या हुआ दीदी, साफ साफ बताइए ना। भाई तुझे तो पता है ना, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और अभी तक मुझे बेबी नहीं है, तो वो तेरे जीजा जी ना। जीजा जी? क्या दीदी, जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तेरे जीजा जी और उनकी माँ ना। बेटा बहुत हो गया, तू एक काम कर। बेटा तुम दूसरी शादी कर ले। क्या माँ, दूसरी शादी? माँ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तेरे बीबी को बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे ना इस खानदान का वारिस चाहिए। तू कुछ समझा कि नहीं? हाँ माँ, वारिस तो मुझे भी चाहिए। दीदी आप ना फेक प्रेगनेंसी का नाटक करो। क्या भाभी आप फेक प्रेगनेंसी का नाटक करेंगी? फेक प्रेगनेंसी, इससे क्या ही हो जाएगा भाई? दीदी असल में तो बच्चा नहीं पैदा होगा, पर आपको कुछ समय मिल जाएगा, शायद उस समय के बीच में कुछ चमत्कार कर दे भगवान। दीदी ये लो बलून और बन जाओ जल्दी से प्रेग्नेंट। मैं ना इनकी करतूतों का वीडियो बना लेती हूँ। आप तो बन गई प्रेग्नेंट। वो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। चुप करो रोशनी, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्रीति ये तुम हो? भैया अब शायद आपके सामने भाभी की सच्चाई आ गई होगी। तुमने ये सब नाटक क्यों किया? भैया भाभी आपको धोखा दे रही थी, इसीलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। वो आप मेरी एक बार बात तो सुनेंगे। प्रीति मुझे ये पहले से पता था कि रोशनी प्रेग्नेंट नहीं है। हिमांशु प्लीज आप मुझे डिवोर्स मत देना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज हिमांशु। रोशनी तुमने शायद उस दिन मेरी और माँ की पूरी बातें नहीं सुनी थी,
पूरी बातें नहीं सुनी थी? मतलब क्या है आपका? तुम साफ साफ बताओ, दूसरी शादी करेगा कि नहीं? माँ, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। तू क्या चाहता है? मैं अपना वंश बिटता हुआ देखती रहूँ। तो माँ, मैं क्या करूँ? तू मुझे खानदान का वारिस नहीं दिया, मैं आत्महत्या कर लूँगी। माँ, मैं दूसरी शादी तो नहीं करूँगा, पर हाँ, मैं तुम्हें खानदान का वारिस जरूर दे सकता हूँ। तेरी बीवी तो बच्चा करने से रही और तुम दूसरी शादी नहीं करोगी, तो क्या हवा से पैदा करेगा औलाद? माँ, मैं ना वो बच्चा गोद लूंगा अनाथालय से। क्या? हाँ माँ, मैंने ना एक बच्चा देख रखा है, वो ना माँ बहुत सुंदर है। पता नहीं किस जात की पैदाइश होगी। माँ, वो भी ब्राह्मण की ही पैदाइश है, उसके ना माता पिता रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, तो मैं ना उस बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ, उसका माँ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ठीक है, आज मुझे ले चल उसके पास। माँ, मैं तुम्हें आज ही ले चलूंगा। रोशनी, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा। प्लीज जल्दी से ले चलो मेरे बच्चे के पास, कैसा दिखता है मेरा बेटा? भाभी, मुझे माफ कर दो, और अकेले अकेले जाओगी? मुझे भी तो अपने भतीजे से मिलना है, मुझे भी ले चलो। हाँ बाबा, दोनों लोग को ले चलता हूँ, चलो।